ऐसा अक्सर कम देखने को मिलता है कि जिस शख्स के पास कैबिनेट मंत्री का रुतबा हो और उसके घर शादी पड़ी हो, फिर भी वो खुद ही फावड़ा उठाकर सड़क बना रहा हो। लेकिन ऐसा ही नजारा देखने को मिला बनारस में। दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर 21 जून को बेटे अरविंद राजभर की शादी थी और 24 जून को प्रतिभोज यानी रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें कई मंत्री और विधायक शामिल होने वाले हैं। ऐसे में जब सड़क दुरुस्त करने की बात आई तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद ही फावड़ा उठा लिया और सड़क बनाने लगे। सिर पर पीली पगड़ी बांधे ओम प्रकाश राजभर का सड़क बनाते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि राजभर इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही। उन्होंने बेटे की शादी पर गांव में 500 मीटर सड़क बनाने का आग्रह किया था, जिसे नहीं सुना गया। के जेई से लेके एई से लेके एक्सीएन से लेके एनसी से लेके चीफ तक सबको इस बात की जानकारी और जिले के जिलाधिकारी को भी इस बात की जानकारी शुरू में ही दे दी गई कि शादी है, वहाँ रास्ता 250 मीटर गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बनवा देंगे, लेकिन आपके सामने है। वाराणसी के सिंधोरा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों पर उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी योगी सरकार में सहयोगी है।